हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब पर। आज से प्रारंभ किया जा रहा है लाइव क्लास, जिसमें रात 9 बजे से 10 बजे तक क्लास लगेगी। लाइव क्लास ठीक है, जो भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे हॉस्टल वाला ना हो, पुलिस भर्ती हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, सीजी व्यापम, आल एग्जाम यानी कि पीएससी व्यापम जैसे परीक्षा कंपिटिशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए यूजफुल है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नोट याद रखिएगा कि हॉस्टल वार्डन, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, डाटा एंट्री ऑपरेटर, व्यापम जैसे परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं तो रात 9 बजे से 10 बजे तक लाइव क्लास लिया जाता है। आज हम रात 9 बजे करेंगे प्रिंटर से। प्रिंटर से भी बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कंप्यूटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको कंप्लीट क्लास करेंगे, चाहे जो भी एग्जाम। जैसे अगर आप हॉस्टल वार्डन में कर लेते हैं तो याद रखिएगा, हॉस्टल वार्डन में आपको, मैं आपको कहना चाहूंगा, हॉस्टल वार्डन में आपको 50 नंबर का कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है, तो आपका ओएमआर शीट चेक किया जाएगा। अगर आप 25 नंबर से एक भी कम नंबर लाते हैं, 23 नंबर लाते हैं, 24 नंबर लाते हैं, तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये टारगेट बता रहा हूँ। और हॉस्टल वार्डन का जो होता है, आपको 150 नंबर का होता है, जिसमें सिलेबस आपका हिंदी का 10 नंबर, इंग्लिश का आपका 10 नंबर, और मैथ्स का आपका 20 नंबर, छत्तीसगढ़ का आपका 20 नंबर, और इंडियन जीके का आपका 20 नंबर, करंट अफेयर मिला के आपका 20 नंबर। तो टोटल कितना नंबर हो गया जी? और ये कंप्यूटर का आप मान लीजिएगा, कंप्यूटर का 50 नंबर। ठीक है, कंप्यूटर का 50 नंबर, तो टोटल आप मिलाएंगे तो कितना नंबर हो रहा जी? ये 50 हो गया, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ये सभी करके मिलाकर 150 प्रश्न बनते हैं। मैं 2016 के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब पैटर्न चेंज हो जाएगा जी, तो उसमें क्या जुड़ेगा? सब लोग कह रहे थे कि बाल विज्ञान, तो कुछ कुछ कम हो सकता है। अगर मान लीजिए, अगर करंट अफेयर का अगर 15 नंबर दे दिया, इसको छोड़ के 20 का अगर 15 कर दिया, और इसमें अगर छत्तीसगढ़ का आपको 15 वेटेज कर दिए, तो दोनों मिलाकर आपको बाल मनोविज्ञान अगर जोड़ेगा तो 10 नंबर, मतलब टोटल मिलाकर आपका 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे हॉस्टल वार्ड। ठीक है, उसी प्रकार आपका छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में 15 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पूछे जा सकते हैं 25 से 30 क्वेश्चन। ठीक है, बिजली विभाग से। ठीक है, अगर अभी देखिए प्रयोगशाला परिचालक, आप देखेंगे एग्जाम, तो उसका भी बहुत जल्द हो सकता है। और कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि प्रयोगशाला टेक्नीशियन का, उसमें भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रयोगशाला टेक्नीशियन भी एग्जाम अभी नहीं होगा, लेकिन उसका जो है वैकेंसी आ चुका है 260 पदों। कितने पदों पर? 260 पदों पर भर्ती वैकेंसी जारी किया गया है प्रयोगशाला टेक्नीशियन का, जिसमें विज्ञान को आपका 11वीं और 12वीं पढ़ना पड़ेगा जी। ठीक है, इसमें 11वीं और 12वीं पढ़ना पड़ेगा इसका सिलेबस, जबकि प्रयोगशाला परिचारक, ठीक है, जबकि परिचारक में आपका 9वीं और 10वीं का विज्ञान पढ़ना पड़ेगा जी। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? यह टेक्नीशियन का है। ठीक है, टेक्नीशियन का है जो 11वीं 12वीं का विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, जबकि परिचारक में आपका 9वीं 10वीं का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ रही है? तो मैं डेली क्लास करूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। आज से आप याद रखिएगा, आज से प्रारंभ किया गया है, मैं 10 वीडियो लेकर आऊंगा, मात्र 10 वीडियो लेकर आऊंगा कंप्यूटर का, जिसमें कंप्यूटर के A to Z क्लास, A to Z क्लास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो मैं 10 क्लास लेकर आऊंगा, 10 वीडियो महामैराथन रहेगा। ठीक है, चाहे लाइव क्लास हो चाहे रिकॉर्डेड क्लास हो। ठीक है, मैं लाइव क्लास लूँ या फिर रिकॉर्डेड क्लास हो, अगर वो 10 वीडियो आपने देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका 50 में 40 नंबर कवर हो जाएगा जी, 40 नंबर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये 10 वीडियो देख लेते हैं कंप्लीट, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये जो कंप्यूटर है, ये पूरा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा एंटीवायरस का क्वेश्चन है। ये सभी जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सभी एंटीवायरस के क्वेश्चन है जी। देखिए, सभी एंटीवायरस के क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। उसी प्रकार मैं आपको कहूंगा, ये मल्टीमीडिया, ठीक है, एक मिनट, ये देखिए पूरा मल्टीमीडिया के क्वेश्चन है, ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक
ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं आपको पूरा कवर कराऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इमेज, इसका ये पूछा जाता है जीपीजी एंड ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप जीआईपी, ये सभी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। ठीक है, इसको चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। ठीक है, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी के सभी प्रश्न, है ना, यहाँ पर कमेंट ना करें। ठीक, ओके, चलिए देखिए, सभी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ये वाला भी पूछा जाता है। देखिए 16-10, 16-9, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला टॉपिक, ये यहाँ से 800 से 600 वाला, ये आपके एग्जाम में भी 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, और एक और है, 1 मिनट आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, 1 मिनट ना, कंप्यूटर एंटीवायरस, तो देखिए ये वाला टॉपिक, ये जो है आपका, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये वाला देखिए, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और देखेंगे पूरा, देखिए पूरा सीजी व्यापम, पीएससी, पटवारी, सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए कितना सारा क्वेश्चन है, एंटीवायरस से पूछे जाने वाले प्रश्न देख सारे हैं, नॉर्थन, मैकपी, क्विकिल, एवस्ट, एवायरा, एनएमपी, वायरा, ओर्था, कास्पर स्काई, एवजी, टेंट माइक्रो, ये सभी जी आपके व्यापम में और पीएससी में पूछे गए हैं। आप देख पा रहे होंगे सभी व्यापम, 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 पटवारी, आरआई, रिवेन्यू इंस्पेक्टर, सीएसपीसीएल, विद्युत विभाग, बिजली विभाग, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्लासेस हम आपको कराएंगे मात्र 10 दिन, 10 वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, 10 वीडियो में अपलोड करूंगा, 10 दिन का टारगेट है, चाहे लाइव क्लास लू मैं, चाहे रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, आपका कंप्यूटर का कंप्लीट हो जाएगा, है ना, बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ रही है तो वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना। ठीक है, अगर समझ में आ रही है तो, वरना आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आप स्किप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप हमारी क्लासेस कर सकते हैं, और जिनको समझ में नहीं आया होगा तो आप स्किप करके जा सकते हैं, उसके लिए मेरे पास कोई, हाँ समझ गया ना, मैं और नहीं बोलना चाहता, जिसको समझ में आ रहा है कंटिन्यू कीजिएगा, सिलेक्शन लेना है, टारगेट बनाइएगा, 10 दिन का क्लास है मेरा। ठीक है, तो 10 दिन में आपको कंप्यूटर कंप्लीट कर देंगे जी, 10 दिन में, जितना हो सके हम आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 10 दिन में 10 वीडियो लेकर आऊंगा, 1-1 घंटे का महामैराथन क्लास रहेगा, चाहे मैं आपको बता रहा हूँ लाइव रहेगा चाहे रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, वो वीडियो आप जाके 3 से 4 बार देखना, बस 3 से 4 बार देखना, उस वीडियो को बार बार रिपीट करके आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये देखिए हॉस्टल वार्डन, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सीजी व्यापम, पीएससी, आगे की एग्जाम कंपिटिशन, अगर तैयारी कर रहे हैं तो आज रात 9 बजे आपको कराया जाएगा। थैंक यू।